हेलो गाइस, ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ ये सुबह के 7 बजे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो मूवी के बारे में सजेस्ट करने आया हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको क्यों देखनी चाहिए। एक्चुअली मेरा गला भरा हुआ है, मैं अभी जस्ट मूवी ख़त्म हुई है हमारी, तो थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया, क्योंकि इमोशनल सीन जब आ जाते हैं, जब हमारे देश पर बात आती है या फिर इंडियन आर्मी के बारे में बात आ जाती है, तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, या फिर आप भी हो जाते होंगे अगर आप इमोशनली अटैच हैं इंडिया से। तो फिलहाल तो मुझे इस केस के बारे में नहीं पता था, हालांकि ये पता होना चाहिए पर नहीं बताया गया, तो उसकी वजह से शायद नहीं पता। पर आपको ये शेरशाह मूवी देखनी चाहिए, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अमेज़न की मेंबरशिप है तो वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन कुछ सीखने की चीज़ें मुझे बहुत बेहतर लगी, जैसे कि शेरशाह नाम पढ़ना, इतना यूनिक चीज़ होना, उनके पास बहुत पावर थी, एनर्जी बहुत थी। उनकी एज में वो ये नहीं चाहते थे, वो मरने से नहीं डरते थे, विक्रम भाई साहब वो मरने से नहीं डरते थे। कमांडर बहुत प्यारे थे और हर किसी से घुल मिल जाते थे। उनका फ्रैंक बिहेवियर, जैसे मतलब दिखाया गया ना मूवी में, जितना मैंने देखा है मूवी में उतना ही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और एक छोटी सी लव स्टोरी भी कहूँगा, जो उसमें मैडम है जिनसे उनका प्यार था, डिम्पी जी, उन्होंने आज तक शादी नहीं करी। ये लाइन जब मैंने पढ़ी ना, सच में यार, मतलब प्यार को सल्यूट करने का दिल किया यार। समझ गया उस वक्त क्या ही बोलूँ, मतलब दिल खुश हो गया था मेरा, कि मतलब इतना टाइम गुजरने के बाद भी उन्होंने शादी नहीं करी। ये जो वॉर हुई थी 1999 में हुई थी, 1999 में हुई थी, उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर आप एंड तक देखोगे तो सब आपको पढ़ने को मिल जाएगा। उनके दोस्त बहुत ही प्यारे थे, उनके बेस्ट फ्रेंड थे, आज भी वो उसी शहर में रहते हैं जहाँ पर वो रहते थे। बड़ा अच्छा लगा यार, थैंक यू सो मच। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री आज भी अच्छे कंटेंट क्रिएट करती है और अच्छा कुछ बनाती है। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सर।